हेलो एंड वेलकम गाइस, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूँ KTM ड्यूक 200 और 250। इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे आज। इन दोनों के BS6 इंजन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसके बारे में क्या डिटेल्स है, क्या अपडेट्स हैं। तो आज इसकी डिटेल्स अपडेट सारी मेरे को पता चल चुकी हैं, वही चीज़ आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो बेसिकली गाइस, जो KTM ड्यूक 200 है वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी लॉन्ग पीरियड से सेम लुक्स के साथ आ रही है, सेम डिज़ाइन के साथ आ रही है। उसमें कोई खास मेजर चेंजेस आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिले होंगे। हालांकि जो इसका डिज़ाइन है, जो उसके लुक्स हैं, वही लोगों को इतने ज़्यादा पसंद है कि उसमें अपडेट की कोई ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है। ये आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या चाहते हो कि इसके जो लुक्स वगैरह हैं वो चेंज होकर आए, जैसे ड्यूक 250 के हैं, या फिर ये जिस डिज़ाइन में, जिस लुक्स में बिक रही है उन्हीं लुक्स के साथ ये एज इट इज़ मार्केट में आती रहे, बस BS6 न्यू इंजन इसके अंदर देखने के लिए हमें मिल जाए। तो मैं BS6 इंजन के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर जो अभी करंट BS4 इंजन आ रहा है वो आप लोगों को प्रोड्यूस करके देता है 25 BHP का पावर निकाल के दे देता है और 19 न्यूटन मीटर का आप लोगों को टॉर्क निकाल के दे देता है। मगर जो न्यू इंजन आने वाला है वो आप लोगों को 24 BHP का पावर निकाल के देगा, कम से कम 20 न्यूटन मीटर का आप लोगों को इसके अंदर टॉर्क देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आपके इनिशियल पिकअप पे, राइड क्वालिटी पे या फिर किसी और चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस टॉप स्पीड पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है आपको, ज़्यादा नहीं, वो भी मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। ये तो बात रही हमारी KTM ड्यूक 200 की। और उसके अलावा इसके अंदर जो 200 होगी, अगर हुआ तो इसके जो लुक्स के साथ थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं। जो इसकी फ्रंट की लाइट है वो आपको काफ़ी हद तक 390 से इंस्पायर देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि जो ड्यूक 250 की लाइट है वो भी 390 से इंस्पायर है। मगर इसके अंदर जो न्यू लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी, इसमें आपको LED देखने के लिए मिलेगा और साथ के साथ आपको DRLs भी मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेड है ये बात, कन्फर्मेशन नहीं है। सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर आपको इसके अंदर डुअल चैनल ABS भी मिल जाएंगे आप लोगों को फ्रंट और रियर दोनों में ही। और बाइक कैसी लगती है उस बारे में तो कुछ बोलने जैसा है ही नहीं, हर कोई इस बाइक का दीवाना है। बात करूं आप लोगों से ड्यूक 250 के बारे में, तो गाइस 250 के अंदर आप लोगों को 31 PS का पावर मिल जाता है और 25 न्यूटन मीटर का आपको उसके अंदर टॉर्क मिल जाता है। तो गाइस उसके अंदर भी आप लोगों को 1 BHP का पावर लेस हो जाएगा, तो आपको 30 BHP का पावर मिल जाएगा और 26 या 27 न्यूटन मीटर का आप लोगों को उसके अंदर टॉर्क देखने के लिए मिल जाएगा। डेफिनेटली ड्यूक 250 में आप लोगों को टॉर्क अच्छा देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप लोगों की राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाएगी। जब आप इनिशियल पिकअप पे उसको थ्रॉटल करना चाहेंगे तो बाइक आपको बहुत ही शानदार पिकअप देने वाली है, तो जिससे आपकी राइड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। आप लोग कह रहे होंगे कि पावर, BHP सब बता दिया, लुक्स के बारे में बता दिया, और अगर प्राइस के बारे में एक बारी बात कर लूँ तो दोनों ही बाइकों के प्राइस में कम से कम 5,000 रुपये का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। कम से कम मैं 5,000 बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 से 20,000 रुपये तक का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। अब ये सब बात तो हो गई, अब एक सवाल निकल के आता है, न्यू इंजन हमें माइलेज कितना देंगे। तो गाइस आप लोगों को जितना माइलेज ये वाले इंजन दे रहे हैं, डेफिनेटली इन इंजन से थोड़ा सा माइलेज अच्छा देंगे, फ्यूल इकोनॉमी उनकी अच्छी होने वाली है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड और रिफाइंड इंजन आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप लोगों को अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आप लोगों से अपनी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।